हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तभी अपन लिक्विडेशन ऑफ सम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है? तो अच्छा खासा सम सॉल्व करता हूँ। क्लास में बेटी भी आ गई है तो इसके लेके सॉल्व करते हैं। इधर तू लेफ्ट में आ जा, देख। चलो आवाज आ रही है, वन साइड। अभी क्वेश्चन में क्या दिया है, एक कंपनी, उसका नाम है खत्म लिमिटेड। क्या नाम है? खत्म मतलब कंपनी का कन्यादान हो गया, कंपनी लॉस में गई है, तो कंपनी वाइंड अप हो रही है, तो लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। ये तुम्हारा बैलेंस शीट दिया है और फिर इधर क्या बोला, एसेट्स को रियलाइज़ किया है। एसेट्स को क्या किया है? मतलब अभी तुम्हारा कंपनी बंद हो रहा था, तुमको सब कर्जा देना है क्योंकि कंपनी लॉस में है। कंपनी किस में? लॉस में। तो एसेट बेच के अपने को पैसा आएगा। एसेट बेच के क्या आएगा? तो वो पैसे का अपन पार्टी नहीं करेंगे ना यार, वो पैसे दे सब कर्जा देना है। क्या देना है? फिर जो बचेगा वो इक्विटी शोल्डर को मिलेगा। किसको मिलेगा? जो बचेगा इक्विटी शोल्डर को मिलेगा, और कम पड़ा तो इक्विटी शोल्डर को जेब से देना पड़ेगा। तो लिक्विडेशन में एक स्टेटमेंट बनेगा, लिक्विडेटेड फाइनल स्टेटमेंट अकाउंट। क्या बनेगा? लिक्विडेटेड फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। तो सबसे पहले काम करो, कैलसी ले लो ना, अभी कैलसी लेके बैठ जाओ। हाँ चला जाओ। देखो एसेट रियलाइज बोला, क्या बोला है? एसेट्स को रियलाइज किया है। तो देखो खुशी, एसेट बेचेगा तो पैसा आएगा, तो पैसा आएगा तो आपको इधर दिख लेगा रिसिप्ट में। तो ये पैसा अपना आ रहा है और वो पैसे तो अपन सबको क्या देंगे? पेमेंट करेंगे। सबको क्या करेंगे? तो सबसे पहले कैश लिखने का। बच्चों लोग कैश नहीं लिखते। देखो इधर कैश है क्या? कैश 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 नहीं है, तो कैश नहीं तो डैश मार दो। कैश नहीं तो डैश। ये वर्ड क्या है बोला? एसेट्स को रियलाइज किया। एसेट्स को क्या किया? मतलब सब एसेट्स को बेचा है। तो एसेट्स को बेचेगा तो पैसा आएगा, तो किधर डालेंगे अपन? रिसिप्ट में। तो इधर लिख दो एसेट रियलाइज, लैंड बिल्डिंग स्टॉक प्लांट एंड मशीनरी, बुक डेप्ट। बुक डेप्ट्स का मतलब डेटर होता है, नया नाम है बुक डेप्ट बोले तो। तो चारों इधर लिख देंगे ना। तो लैंड बिल्डिंग बेच के कितना है? इसका आप टोटल ले लो फटक से, 6,20,000। स्टॉक बेच के कितना है? 3,10,000। और प्लांट एंड मशीनरी बेच के कितना है? 7,10,000। और बुक डेप्ट्स 6,60,000। 6,60,000। तो टोटल कितना रियलाइज हुआ? 23,00,000। टोटल कितना रियलाइज हुआ? 23,00,000। कितना रियलाइज हुआ? 23,00,000। मतलब इतना पैसा उनके पास आया है। ये सबको ऐड करेंगे तो मान लो 23,00,000 आ गया, ठीक है? कितना आया? 23,00,000। अब इतना 23,00,000 का अपन को क्या करना है मालूम है क्या? इधर क्या दिया देखो, इधर बोला एक्सपेंस हुआ, मतलब झमेला का खर्चा हुआ। कितना खर्चा हुआ? 86,000। लिक्विडेटेड क्या रह रहा है? फ्री में काम करेगा क्या? लिक्विडेटेड फ्री में काम करेगा? नहीं, वो क्या काम करेगा? अपना काम के लिए क्या चार्ज करेगा? कमीशन। क्या चार्ज करेगा? कमीशन। तो कमीशन कितना लिया उसने? 2%। कमीशन कितना लिया है? ऑन एसेट रियलाइज। इधर वर्ड मिसिंग था, मैं लिख दिया एसेट रियलाइज। तो एक काम करो ना, तो सबसे पहले लिक्विडेटर को क्या दो दो? खर्चा। तो कितना एक्सपेंस हुआ? 86,000। तो इधर लिख दो लिक्विडेशन एक्सपेंस 86,000। आपने यहाँ लिखा मतलब हो गया आपने पेमेंट कर दिया। तो एक पेमेंट हो गया, इसको ऐसे लाइन मार दो, ये भी एडजस्टमेंट हो गया ना। इधर क्या दिया है? इनकम टैक्स पेबल, मतलब इनकम टैक्स भी क्या कर दिया? दे दिया। तो इनकम टैक्स कितना देने का था? 67,000। देंगे तो किधर आएगा? पेमेंट में आएगा ना। अपने पास पैसा है ना, पैसे का अपन सबको पे कर रहे हैं। तो सबसे पहले लिक्विडेशन एक्सपेंस लिखा, फिर इधर बोला इनकम टैक्स पेबल, चलो ये भी लिख दिया। तो उसको नीचे लिख दिया, समझाता नीचे क्यों लिखा, पर यही आएगा ना आपका, किधर आएगा? पेमेंट में आएगा। फिर बोला है रेम्यूनरेशन ऑफ द लिक्विडेटर इज 2% एसेट रियलाइज। जो हिसाब किताब करेगा बंदे का नाम है लिक्विडेटर, वो फ्री में काम करेगा क्या? नहीं, वो अपने काम का क्या लेगा? कमीशन लेगा। तो कितना टका कमीशन ले रहा है? 2%। किस पे? जितना का माल बेचा है उतने पे। तो एसेट रियलाइज बोला तो चारों को टोटल लेंगे ना, चारों को टोटल लेंगे तो कितना है? 23,00,000। ये है ना, कभी भी इसको नहीं लेने का, इसको ऐड करके कैलसी में चेक करना है, क्योंकि इधर कभी कभी कैश भी रहेगा तो गलती से आप कैश भी ऐड कर लेंगे ना। अच्छा कितने का माल बेचा उसने? 23,00,000 का एसेट बेचा, उसमें कितना परसेंट कमीशन मिलेगा उसको? 2%। तो 23,00,000 पे अपन कितना परसेंट निकालेंगे? 2% निकालेंगे, तो 46,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 46। 2% निकाल देंगे तो 46,000। ये किसको देने का है? लिक्विडेटर को देने का। किसको देने का है? लिक्विडेटर को देने का, राइट। तो इधर क्या लिख देगा अपन मालूम है क्या? लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन कितना परसेंट है? 2%। कितना अमाउंट है? 46,000। सिंपल। ये पैसा आया ना, तो पैसा क्या कर, उड़ा नहीं रहे हो, सबको कर्जा दे रहे हो, पेमेंट दे रहे हो, हिसाब किताब चुकता कर रहे। यही कंपनी लिक्विडेशन कंपनी में यही होता है। तो लिक्विडेटर एक्सपेंस, लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन देने के बाद फिर सबसे बड़ा कर्जा देने का। सबसे बड़ा कर्जा बोलेगा तो डिवेंचर। किसको देने का? 2,10,000 दिया। कितना दिया? 2,10,000। ये क्या है? लाइबिलिटीज। पेमेंट में लिख दिया 2,10,000, मतलब दे दिया, कर्जा था कर्जा दे दिया। फिर डिवेंचर में कभी भी इंटरेस्ट भी निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है? इंटरेस्ट। तो डिबेंचर का, ये कंपनी का लिक्विडेशन कभी स्टार्ट हुआ देखो? 31 मार्च। कंपनी कभी खत्म हुई? 31 मार्च। और कंपनी का नाम भी मैंने खत्म लिख लिया, राइट। और कंपनी पेमेंट भी कभी की मालूम है क्या? दिया पेमेंट कभी की? 31 मार्च। तो ये डेट और ये डेट सेम आ रहा है, जिस दिन ऐलान की उसी दिन पेमेंट की। तो एक्स्ट्रा दिन लिया क्या उसने? नहीं। मान लो इधर जून बोला, 30 जून बोला रहता, तो अप्रैल मई जून 3 महीना लेट होता ना।
तीन महीने का इंटरेस्ट आता, मतलब 210,000 के ऊपर 10% तीन महीना आता, वो वाला अमाउंट यहाँ लिखते। फिलहाल तो कुछ लेट हुआ क्या? नहीं, हाँ मतलब लेट हुआ क्या बीच में? तो इसलिए इधर क्या मार दिया अपने, डैश मार दिया। सिंपल, मतलब डिबेंचर पे इंटरेस्ट नहीं आया ना यार। अब इधर क्या है, सब कर्जा उठा के पे करना है तुमको, तो ये रिजर्व को नहीं लेने का ना, सिक्योरिटी प्रीमियम को नहीं लेने का, राइट। अब इधर क्या है, एक कर्जा प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, क्या है मतलब पहला उसको देने का। अभी घर पे कोई मेहमान आया और घर पे चाय बनी है, तो माँ अपने को देगी कि पहले चाय मेहमान को देगी? अपन पियेंगे तो, हाँ तो मतलब पहले मेहमान को देना पड़ेगा। तो ये कर्जा पहला प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, मतलब पहले इसको सेटल करना है। कितना ये? 1,05,000। ये क्या है? कर्जा था कर्जा दे दिया। फिर इसके बाद क्या है, बैंक ओवरड्राफ्ट, क्या है? 4,85,000। कितना दिया? कर्जा था कर्जा दे दिया, मतलब सब लाइबिलिटी को सेटल करना है ना, भागने का नहीं है ना यार। फिर एक और क्या है, क्रेडिटर्स, क्या दिया है? कितना? 6,00,000। कर्जा था और इधर कर्जा दे दिया, सो सिंपल है ना। पे करने का, पेड करना है ना। फिर एसेट रियलाइज किया, लिक्विडेशन एक्सपेंस भी दे दिया, रेमुनेशन भी दे दिया, इनकम टैक्स पेबल था वो भी लिख दिया, राइट। इधर लिखा तो भी चलेगा, इधर लिखा तो भी चलेगा, नहीं बोल के कहाँ भी लिखो, पर पेमेंट में तो लिख दो, क्योंकि पे कर रहे हैं ना, कोई फिक्स जगह नहीं है। इसको ना इधर देना चाहिए, इसके साथ लिखना चाहिए, राइट। तो मैंने गलती तो नीचे लिख दिया, तो नो इशू, कुछ नहीं, मार्क्स मिलेगा। अब इधर क्या बोला है, जो प्रेफरेंस शेयर है ना उसको डिविडेंड देने का, कितने साल का देने का? 3 साल का। तो प्रेफरेंस शेयर्स क्या होता है, वो कैपिटल होता है जिसको रिटर्न करना पड़ता है। इक्विटी शेयर तो मालिक था ना, इसको छोड़ के सबको देना है, ये खुद सबको पे करेगा। तो प्रेफरेंस शेयर को भी आपको क्या करना है, पेमेंट करना है। तो इधर लिख देंगे रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, कितना देने का प्रेफरेंस शेयर? 5,00,000 है ना, 5,00,000 का अमाउंट था, इधर इन लोगों को दे दिया, मतलब डिबेंचर देना है, इसका इंटरेस्ट देना है, सब कर्जा देना है, प्रेफरेंस शेयर देना है। क्या देना है? अब उसका डिविडेंड भी देना है, क्योंकि बोला है ना, नहीं बोला तो नहीं देना है। तो कितना साल का देना है डिविडेंड? 3 साल। तो इधर बोला है प्रेफरेंस डिविडेंड, क्या कैलकुलेशन करेंगे, तुम्हारा वर्किंग नोट रहेगा ना। तो प्रेफरेंस डिविडेंड अमाउंट कितना है? 5,00,000। कितना टक्का? 10%। ऐसे लिखेंगे 5,00,000, कितना टक्का? 10%, और कितना साल है? 3 साल। तो कितना आ जाएगा? 3। कितना आ जाएगा? सिंपल। तो 5,00,000 में 10% कितना हो गया? 50। 50 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से। कितना आ जाएगा? 1,50,000। कितना आएगा? 1,50,000। 1,50,000 क्या है? डिविडेंड है। 1,50,000 क्या है? डिविडेंड है, ठीक है। तो अपने पास कितना रुपया आया? 23,00,000 आया अपने पास। कितना आया? 23,00,000 आया, क्योंकि ये ज़्यादा है रिसिप्ट। तो 23,00,000 में से अपन ने क्या किया, लिक्विडेटर को एक्सपेंस दिया जो झमेला का खर्चा हुआ, उसको रेमुनेशन दिया, डिबेंचर दिया, इंटरेस्ट नहीं था, सब लाइबिलिटीज उठा के पटक दिया, प्रेफरेंस शेयर भी दिया और प्रेफरेंस डिविडेंड भी दिया, प्रेफरेंस शेयर भी दिया। तो फिर जो भी पैसा बचेगा किसको मिलेगा? ऐसे लिखेंगे बाय रिटर्न टू इक्विटी शेयर होल्डर, बाय रिटर्न टू इक्विटी शेयर होल्डर। तो इक्विटी शेयर होल्डर को कितना रिटर्न रहेगा, ये टोटल से टोटल क्या कर देंगे आप, माइनस कर देंगे। 46 है, 86 है, हाँ 67 है, 2,10,000 है, 1,05,000 है, 485 है, 6,00,000 है, 5,00,000 है, 1,50,000 है, मतलब ये ज़्यादा ये कम है, तो 51,000 कम पड़ा। कितना कम पड़ा? मतलब ये 51,000 जो भी बचेगा इक्विटी शेयर होल्डर लेके जाएगा, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर लास्ट क्लेमेंट लेता है, जब कंपनी सब बांटती है तो इक्विटी शेयर होल्डर को लास्ट में मिलेगा, राइट। फिर इधर क्या दिया, इक्विटी शेयर है ना 60 पेडअप है, 50 पेडअप है, मतलब 100 का शेयर था कितना पेडअप है? 60, और 100 का शेयर था कितना पेडअप है? 50। तो इसका कैलकुलेशन ना हायर लेवल को आता है, तो वाला अपन बाद में देखेंगे, फिलहाल इतना बेसिक तो तुम लोग याद कर लो, है ना। सब इधर ही ख़त्म है, सिर्फ इतना देखेंगे किसको कितना देना है, वो अलग से कैलकुलेशन बाद में सॉल्व करेंगे। तो ये तुम्हारा लिक्विडेशन ऑफ क्या बोलते हैं, कंपनी का संदर्भ, राइट। तो जितना हो सके उतना ट्राई कर, ये तुम्हारा क्वेश्चन है, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो, प्रैक्टिस कर लो।